हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानकारी देने जा रहे हैं दिल्ली के सबसे नजदीक स्नोफॉल पॉइंट और उत्तराखंड के एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन धनोल्टी के बारे में। धनोल्टी एक खूबसूरत ऑफबीट लोकेशन है। यह सर्दी के मौसम में स्नोफॉल को एंजॉय करने और पहाड़ों की नेचुरल ब्यूटी के बीच कुछ समय बिताने के लिए फेवरेट हॉलीडे स्पॉट है। शिमला और मनाली की तुलना में धनोल्टी सस्ता और कम समय में घूमने लायक हिल स्टेशन है। इस वीडियो में हम जानेंगे धनोल्टी कैसे पहुँचे, धनोल्टी में कौन कौन सी देखने लायक जगह हैं, यहाँ होटल कहाँ लेना चाहिए, इसके अलावा स्नोफॉल के लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या है। तो अगर आप अपनी विंटर ट्रिप के लिए किसी अच्छे हिल स्टेशन की तलाश में हैं तो उत्तराखंड में धनोल्टी एक अच्छी चॉइस है। तो आइए जानते हैं धनोल्टी ट्रिप की कम्प्लीट टूर इन्फॉर्मेशन। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ट्रेवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। अक्सर लोग अपनी मसूरी ट्रिप के दौरान धनोल्टी को भी एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मसूरी ही धनोल्टी के सबसे नज़दीक और मोस्ट फेवरेट हिल स्टेशन है। धनोल्टी मसूरी जितना फेमस नहीं है, इसलिए आपको धनोल्टी में टूरिस्टों की भीड़ भी कम मिलेगी। एक्चुअली धनोल्टी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो नेचर लवर हैं और पहाड़ों में कुछ पीसफुल टाइम बिताना चाहते हैं। इसके अलावा मसूरी के कंपैरिजन में धनोल्टी में अधिक खूबसूरत माउंटेन व्यूज देखने को मिलते हैं। यह जगह अपने काम और कूल एटमॉस्फेयर के लिए फेमस है और लोग यहाँ पर कुछ समय नेचर के करीब बिताना पसंद करते हैं। बात करें धनोल्टी पहुँचने की, तो दिल्ली से धनोल्टी की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है और इस दूरी को आप सबसे अच्छे और सस्ते विकल्प यानी कि ट्रेन द्वारा पूरी कर सकते हैं। यहाँ ट्रेन देहरादून रेलवे स्टेशन तक जाती है जो धनोल्टी से केवल 36 किलोमीटर दूर है। देहरादून पहुँचने पर स्टेशन से कुछ ही दूरी पर स्थित हिल डिपो बस स्टैंड से आप इंटर स्टेट बस द्वारा, शेयरिंग कैब या टैक्सी द्वारा धनोल्टी पहुंच सकते हैं। यहां बस का एक व्यक्ति का किराया 160 रुपये, शेयरिंग कैब में पर सीट का किराया 420 रुपये और टैक्सी का 2 से 2500 रुपये होता है। इसके अलावा बात करें वोल्वो बस द्वारा, तो दिल्ली से मसूरी के लिए प्राइवेट वोल्वो और हिमाचल रोडवेज की बस सुविधा अवेलेबल है जो 8-9 घंटों में मसूरी पहुँचा देती है और जिनका किराया 900 रुपये से 1500 रुपये अलग अलग बस के अकॉर्डिंग होता है। मसूरी बस स्टैंड पहुंचने के बाद धनोल्टी जाने वाली बस द्वारा धनोल्टी पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ यहां जाना चाहते हैं तो प्राइवेट टैक्सी सबसे अच्छा विकल्प होगा। बाकी अपने पर्सनल व्हीकल या कार से अमेजिंग व्यूज और ट्रिप इंजॉय करते हुए धनोल्टी ट्रिप पूरी कर सकते हैं। एट लास्ट फ्लाइट से आप देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक जा सकते हैं। ये धनोल्टी का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है जो धनोल्टी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से आगे की जर्नी आप टैक्सी या बस द्वारा पूरी कर सकते हैं। धनोल्टी पहुंचने के बाद होटल में स्टे करने के आपके पास 2 ऑप्शन हैं। देहरादून या मसूरी के नज़दीक होने के कारण मैक्सिमम टूरिस्ट धनोल्टी को एक ही दिन में अप एंड डाउन करके घूम लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग एक दिन का स्टे धनोल्टी में भी कर लेते हैं। इसलिए आपको यहाँ स्टे के लिए होटल के कई ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें बजट होटल से हाई रेंज के होटल्स भी हैं। पीक सीजन में यहाँ होटल के रूम रेंट 2500 से 5000 रुपये और ऑफ सीजन में 1500 से 2500 रुपये तक देखने को मिलते हैं। तो आप अपने बजट और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होटल का चुनाव कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि धनोल्टी में कौन सी सबसे अच्छी जगह है घूमने के लिए और यहाँ घूमने फिरने के अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं। तो धनोल्टी में घूमने की शुरुआत आप कर सकते हैं इको पार्क से। इको पार्क, यह एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है धनोल्टी का। यहाँ आप ट्रैकिंग और हाइकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से हिमालयन माउंटेन रेंज के व्यू को एंजॉय करने के अलावा खूबसूरत वैली के नज़ारों को भी देख सकते हैं। पाइन और ओक के पेड़ों से कवर्ड यह जगह स्नोफॉल के टाइम और भी खूबसूरत लगती है। 1.5 से 2 घंटे बिताने के लिए यह जगह बड़े और बच्चों दोनों के लिए ही एक अच्छा स्पॉट है। 1.5 से 2 घंटे यहाँ बिताने के लिए बड़े और बच्चे दोनों के लिए ही यह जगह एक अच्छा स्पॉट है, जहाँ 50 रुपये पर पर्सन की टिकट होती है। इसके बाद आप जा सकते हैं सरकुंडा देवी टेम्पल। यहाँ तक आप या तो ट्रैकिंग करके या रोपवे के द्वारा जा सकते हैं। यहाँ रोपवे का अप एंड डाउन का फेयर 205 रुपये पर पर्सन होता है। यहाँ से भी माउंटेन रेंज के अमेजिंग व्यूज देखने को मिलते हैं। सरकुंडा देवी मंदिर धनोल्टी का मस्ट विजिट प्लेस है। इसके अलावा मंदिर के आसपास खाने पीने के लिए भी काफ़ी फूड स्टॉल भी हैं, जहाँ आप चाय, कॉफ़ी, मैगी आदि टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं धनोल्टी एडवेंचर पार्क। यह धनोल्टी में आउटडोर और एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। आप यहां जिपलाइनिंग, ट्रैकिंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, स्काईवॉक और वैली क्रॉसिंग आदि एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यह एक स्नो एडवेंचर जोन है
जहां आप स्नोफॉल को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अपने टाइम शेड्यूल और बजट के अकॉर्डिंग आप धनोल्टी के कुछ और टूरिस्ट प्लेसेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे देवगढ़ किला, टिहरी डैम और कानाताल आदि। बात करें यहाँ जाने के सबसे अच्छे समय के बारे में, तो वैसे तो साल में कभी भी यहाँ जा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में अप्रैल टू जून और सर्दियों में अक्टूबर से फरवरी के बीच यहाँ जाना बेस्ट टाइम माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी धनोल्टी के बारे में कंप्लीट टूर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा इस ट्रिप को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।